Started this like 6 years back on Facebook page and मैं पहली बात तो बोलूँ कि मैं हिंदी में बात करता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं। और मैंने स्टार्ट किया था Facebook पे और Facebook पे लाइक कि आई एम अ फूडी, लाइक कि स्ट्रीट फूड खाना या घर पे खाना बनाना, मम्मी को देखना खाना कैसे बना रही है, तो वो सब चीज़ें मैं ट्राई करता था। मम्मी कैसे खाना बनाती थी और उनकी रेसिपी सीखता था। तो मैंने स्टार्ट किया फेसबुक पेज पे, मतलब कि पोस्ट करना, जो भी ग्रुप्स होते थे तो उन पे मैं पोस्ट करता था अपनी रेसिपीज़ और लोगों को काफ़ी अच्छी लगती थी। लाइक लच्छे पराठे की रेसिपी, आलू गोभी, भिंडी, ये सब चीज़ें मैं ट्राई करता था क्या बनाने की। तो फूड में काफ़ी पैशन था, तो वो पैशन जो है वो धीरे धीरे मैंने अपने प्रोफेशन में चेंज किया और ऐसे ही पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। 6 साल पहले स्टार्ट करी थी एंड आई थिंक आज हमारे लाइक ऑन फेसबुक पेज इज़ मोर देन लाइक 8 lakh followers, and on YouTube channel we have 1 million subscribers, and also on Instagram we have like 3 lakh followers. तो ये जो फूड का जो पैशन था ये कंटिन्यू रहा और ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया ये सब। Karan, would you like to tell us कि what was the most difficult thing when you started that you wanted to overcome? Sorry? What was the most difficult thing that you faced while becoming an internet sensation? देखो इसमें क्या होता है लाइक कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ना तो ऑडियंस नहीं थी उस टाइम पे, लाइक इतने फॉलोअर्स नहीं थे जब हम स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लोग लाइक जैसे कि समझ लो आप आजकल कोई भी घर पे सब्जी बनाता है ना तो बेशक वो हाउस वाइफ हो तो वो फ़ोटो डालती है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, और जब उनको लाइक्स नहीं मिलते ना तो काफ़ी डिस्करेजमेंट मिलती है यार कि किसी ने लाइक ही नहीं करी यार, मतलब कि मैंने अच्छी नहीं बनाई क्या। तो ये एक ऐसा फेज़ था शुरू में कि मैं कंटेंट बनाता था पर व्यूज़ नहीं आते थे, लाइक्स नहीं आते थे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट अगर आप मतलब कि अपने ऊपर अगर आपको विश्वास हो और आप जो कर रहे हो उससे खुश हो तो वो चीज़ चलती रहेगी और चलते चलते आगे आगे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। यही एक फेज़ था जो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउन हो गया था कि भाई मेरे लाइक्स नहीं आ रहे फेसबुक पे या फिर कुछ भी है। तो अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे ना तो आगे जाके आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उसको, तो वो बेनिफिट आगे आके मिला और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बेसिकली वेट करना पड़ेगा, लाइक्स के लिए वेट करना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है। कुछ अच्छे पिक्चर्स, कुछ अच्छे कैप्शंस, ऐसा कुछ भी काम करता है? हाँ, कैप्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक वीडियोस के लिए। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तब जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मैं खाने पीने की बातें ही करता हूँ ज़्यादातर। तो मैं ज़्यादातर ना कि क्या कहते हैं कैब में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कैब ड्राइवर से बात कर रहा है, मैंने भैया खाना खा लिया? उसने बोला हाँ भाई खा लिया। मैंने क्या खाया? कह रहा आज छोले कुलचे खाए मैंने कहाँ पर खाए? कोई बढ़िया जगह बताओ कि ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगती हो पर खाना बहुत बढ़िया बनाता हो। तो कहते हैं कि आपने एक काम करो, आप निर्माण विहार जाओ, वहाँ पर एक छोले कुलचे वाला है, वो ना नंबर के हिसाब से छोले कुलचे बेचता है। मैंने नंबर के हिसाब से मतलब? तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो एग्जैक्टली जब मैं वहाँ पर गया उस छोले कुलचे का नाम था कंप्यूटराइज छोले कुलचे। तो मैंने बोला कंप्यूटराइज छोले कुलचे, ये कौन से छोले कुलचे है भाई और कहाँ कंप्यूटर कहाँ लगा है? तो कहता सर देखो ये रहा मेरा पतीला, इसके अंदर मैं सारे छोले एक साथ बनाता हूँ तो ये एक कंप्यूटराइज टेस्ट आएगा, मतलब सबको एक जैसा टेस्ट आएगा। तो मैंने बोला और नंबर वाला क्या चीज़ है भाई? मैंने सुना नंबर आते हैं। जब वहाँ पर भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ थी कि वहाँ पर लोग आते भैया कहते 6 नंबर के 10 पत्ते लगा दो, 60 नंबर के 10 पत्ते लगा दो और 120 नंबर के 4 पत्ते लगा दो, 0 नंबर के 2 लगा दो। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है यार, 0 नंबर 60 नंबर ये क्या है? कहता सर 0 नंबर मतलब होता है सिर्फ नमक के साथ और 60 नंबर होता है मीडियम स्पाइसी, 120 नंबर फुल, साथ में देता है हरी मिर्च और हरी मिर्च देगा तो बोलेगा भाई ये अगर मिर्ची कम लगे तो ये 2 कैप्सूल ले लेना साथ में। मैंने कहा भाई मतलब कि आप ये समझो कि आजकल की जो जनरेशन है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन लोगों को भी एक्चुअली पता है कि अगर हम कुछ यूनिक करेंगे ना, बेशक टेस्ट सेम हो, अगर कुछ यूनिक किया तभी लोग हमारी तरफ देखेगा, वो अट्रैक्शन तभी आता लोगों का। तो उसने वही चीज़ करी, कंप्यूटराइज छोले कुलचे, 2 कैप्सूल देना, ये सब चीज़ें। तो एक काफ़ी एक प्रेजेंटेशन है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना तो ऑब्वियसली लोग काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे मतलब कि बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने उसको कवर भी किया इसी वजह से, तो ये एक बहुत अच्छा था। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो, रिव्यू करना या पिक्चर पोस्ट करना कि अरे यार इसका क्या करूँ, अब मैं कैसे पोस्ट करूँ? कई बार क्या होता है कि ना लाइक बहुत सारे लोगों के दिल में ये क्वेश्चन होता है कि यार ये जहाँ भी जाता ना खाना इसको बढ़िया ही लगता है यार, मतलब बेकार खाना नहीं खाया गया तुमने कभी लाइफ में जो हर किसी के बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा। तो कई बार ऐसा हुआ कि लाइक कि हमारी एक सीरीज़ थी फूड कंपैरिजन वीडियोस, तो उसमें बहुत डर लगता था हमारे को। डर इसलिए लगता था कि एक रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, दूसरे रेस्टोरेंट में खाते थे और उसकी अच्छाई और बुराई बताते थे। तो ऐसे ही हम चले गए भाई जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में जाके हमने एक वीडियो शूट किया अल जवाहर वर्सेस करीम्स। तो मेरा जो वीडियोग्राफर है ये क्या मनमीत बंदरा ये कह रहा है भाई आज पिट के जाएंगे पक्का है। तो भाई अल जवाहर हमारे को क्या बहुत अच्छा लगा। अब करीम्स पे बैठे, करीम्स पे खाया, खाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई हमारे हिसाब से। तो हम वहाँ पर जाके उसकी बुराई कर रहे हैं और सब लोग हमारे को देख रहे हैं यार कि ये खा भी रहा है और ये बुराई भी कर रहा है, कैमरा चल रहा है कि ऑनर को बुलाओ या जो भी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बट हमारे को करना पड़ता है, डालना पड़ता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि कहाँ पर क्या बेस्ट चीज़ है, इसीलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। तो ब्लॉगिंग अब प्रोफेशन बहुत अच्छा बन गया है, बट आई एम श्योर हम सब कंसर्न है कि ब्लॉगिंग तो ठीक है बट पैसे कहाँ से बनेंगे। देखो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना तो लाइक कि मैं जब मेरी मॉम थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि यार क्या ये फ्री का खाना खाने चला जाता है। लाइक आजकल क्या है कि ना बहुत सारे ना जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो जोमेटो रिव्यूअर्स बन गए हैं। अब जोमेटो रिव्यूअर्स को क्या होता है कि वो रेस्टोरेंट जाते हैं, फ्री में खाना खा के आ जाते हैं और 5 रेटिंग दे देते हैं जोमेटो पे। तो ये काफ़ी ट्रेंड चल पड़ा है। तो इस पे आपको पैसे नहीं मिलते, पहली बात बता रहा हूँ कि अगर आप अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो और आप उसको कंटिन्यू रखते हो और अगर किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हो ना तो ही उसका कुछ आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। मेरे को 3 साल लग गए जिसमें मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, जेब से पैसे खर्च किए। आज भी जेब से पैसे खर्च करते हैं क्योंकि कंटेंट बनाना पड़ता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर ऐसे ही बुला लेते हैं कि भाई आजा खाना खा ले, तो ये सब चीज़ें। तो बट आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है लाइक ऑन यूट्यूब और फेसबुक, ये दोनों में ही अच्छी अर्निंग है और इतनी अच्छी अर्निंग है लाइक कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आगे भी रख सकता हूँ अपने साथ कुछ लोगों को और पूरी कंपनी चला रहा हूँ मैं अकेले, तो बस अच्छा है। That's great. तो कितने लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं जो आप खाते हो दिन में उसको अपने Instagram, Facebook, Twitter पे? And how many of you think that हमें food blogger बनना है या we are going to be the next internet sensations? No one? What do you like to click the most? Pizzas, छोले भटूरे, Italian? Aesthetic coffee. Yeah. Exactly what I wanted to ask you. Aesthetic कितना important रहा आपके life में as an influencer? Food blogging के लिए कि सुंदर दिखे खाना कि normal दिखे खाना, क्या बात करते हैं? देखो ऐसा होता है कि ना जब Instagram आया था तो Instagram is a photo sharing app, ठीक है, तो उसमें लोग photos share करते थे और हर एक food blogger को या जो भी है या foodie है ना और घर के ही आप मैं आपको एक housewife का example देता हूँ कि कोई housewife भी है ना तो फ़ोटो क्लिक करती है ना तो वो ऐसे बीच में खाना रखेगी, साथ में गिलास रखेगी अच्छा सा, साथ में चम्मच कांटा रखेगी और फ़ोटो क्लिक करेगी। लोगों को ना अट्रैक्शन होता है यार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, तो फ़ोटोज़ में लाइक भी अच्छे आएंगे। तो लोगों के दिमाग में होता है कि अगर फ़ोटो अच्छी दिखेगी ना तो लाइक भी उतने ही अच्छे आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, अगर आपका खाना देखने में बढ़िया लग रहा है, फ़ोन से भी क्लिक करोगे ना कि DSLR कैमरे से, तो भी आपको रिस्पांस उतना ही मिलेगा और उससे बेटर मिलेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ना फ़ोटो खाना सुंदर दिखना चाहिए और खाना सुंदर दिखेगा भाई फ़ोन से नहीं दिखेगा, कैमरे से दिखेगा, DSLR कैमरे से, और वो आएगा बड़ा महंगा। तो मैंने DSLR कैमरा लिया, मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बीच बीच में क्या होता था जैसे कि मैं कहीं चला गया और मैं मतलब कि अनप्लान ट्रिप जो होता था और मैंने छोले कुलचे वाला देख गया तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ना ऑथेंटिक चीज़ ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि अगर आप लाइक मी, आई एम नॉट अ शाहरुख खान, ठीक है, तो मुझे ना वो फिल्म प्रोडक्शन वाली बोले कि एडिटिंग नहीं चाहिए। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही चाहिए कि मैं अपने फ़ोन से बनाऊँ और वो डालूँ, लोग उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक रहो और फ़ोन से क्लिक करो या जिससे भी क्लिक करो, इट डजेंट मैटर कि फूड जो है वो सुंदर दिखना चाहिए। तो वही चीज़ है कि ऑथेंटिक रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, एंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी। तो आप अपने फूड जॉइंट सेलेक्ट कैसे करते हैं? अगर सपोज आपने बोला करीम्स और अल जवाहर, वी हैव लॉट्स ऑफ फैंस, तो हम लोगों से जाने से पहले लोगों से पूछते हैं कि आप क्या पसंद करते हो अगला खाना या बहुत सारे लोग जो है वो मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया यहाँ पे जाना है, इसके छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, या वहाँ पे जाना। तो कुछ हमारी टीम भी है जो रिसर्च करती है कि कुछ 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 अच्छा दिख जाए, और कुछ लोग हमारे को खुद ही रिकमेंड कर देते हैं, तो ऐसे ही सेलेक्ट होता है। फिर उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं कि भाई वो है ऐसा या नहीं है, कितना साल पुराना है, कैसे स्टार्ट किया, कुछ स्टोरीज़ की भी बात करते हैं। तो यही सब चीज़ें ऐसी चलती है। So how do you monetize on your post? कैसे आप उसको monetize करते हैं जो भी आप अपना trip plan करते हैं? See, there is a two ways of monetization. The पहला ये कि आपका जो चैनल है YouTube पे या Facebook पे पेज है वो उनकी तरफ से मोनेटाइज हो ताकि Google की एड्स आएँ और उससे आपको पैसा मिले। The second thing is कि आपका पास कोई ब्रांड कोलेब्रेशन है। अगर आप जैसे कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये रजनीगंधा है, तो ये अगर जैसे ये है तो अगर आपको ऐसे कोई ब्रांड मिल जाए तो वो आपको पैसे दे देगा। तो ये दो तरीके के वे है। अब कई लोग ना ये सोचते हैं कि YouTube पे चैनल बनाने से पहले कि यार मेरा अगर YouTube चैनल मोनेटाइज ना हो तो मैं कैसे कमाऊँगा। वो इसी तरीके से कमा सकते हो, ब्रांड कोलेब्रेशन से। इस पर यह चीज़ नहीं होती कि अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आप पैसे दूसरे वे से भी कमा सकते हो, ब्रांड्स के साथ कोलैब करके भी कमा सकते हो। और ये आजकल तो ब्रांड्स, इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं अपने इंडिया के अंदर कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ प्रमोट कर ही रहा है, क्योंकि उनको पता है एक्चुअली कि जो दिखता है वही बिकता है। पहले फ़ोटोज़ क्लिक होती थी तो उससे इतना लगे लोगों ने बताया, बट मैं शुरू में सुनता था कि यार वीडियो इज़ अ फ्यूचर। जो वीडियो है ना वो सोशल मीडिया का फ्यूचर है। वीडियो में जो चीज़ दिखेगी ना वही ज़्यादा बेटर है। पहले आप लोग ये देखते होंगे कि जो रेडियो होता था हम सिर्फ उसकी आवाज़ सुनते थे, कि रेडियो में लगाया कुछ भी चैनल लगाया आवाज़ सुनते थे। बट आज आप देखो कि जितने भी रेडियो वाले चैनल्स हैं ना उन्होंने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली लोगों को चाहिए यार, लोगों को चाहिए कि देखना है कि ये चीज़ बनती कैसे है, ये कैसे तैयार हो रही है। जो हम खाते हैं फ़ोटो तो देखिए छोले भटूरे बड़े हैं, बड़े बनता कैसे है, क्योंकि ये चीज़ें भी देखने में ना थोड़ा लोगों को अच्छा लगता है, फिर वो शेयर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, थैंक यू करन। एनी क्वेश्चंस? Yeah, hi. Can you hear me? Yes, yes. Okay. I just want to know कि कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तब जाके कोई ब्रांड कोलैबोरेशन होता है या YouTube की तरफ? It depends on your engagement. अगर आप काफ़ी पॉपुलर हो और उस ब्रांड को पता है that you have a value, अगर आप मेरा ब्रांड अपने हाथ में पकड़ लोगे तो उसकी काफ़ी वैल्यू रहेगी, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। बट ये चीज़ है कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ब्रांड्स देखते हैं लाइक कि 1 लाख फॉलोवर्स हो या 50,000 क्या सब्सक्राइबर्स हो, तो कई लोग देखते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो आपके साथ रेट मतलब कि तय करेंगे। लाइक अगर किसी के 10 लाख फॉलोवर्स होंगे तो वो अच्छे पैसे लेगा, किसी के 1 लाख है तो उसको कम मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। कोलैबोरेशंस होते हैं बट फिर वो बार्टर बेसिस पे होते हैं। अब इंडिया में बार्टर भी एक नई चीज़ आ गई है कि भैया आप सामान ले लो पैसे मत लो, तो उसकी वैल्यू लगती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई आता है कि समझ लो कि कोई टोमेटो केचप वाला आ गया, वो बोलेगा सर आपकी तो अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके पास कोई वो आ गया, कोई टोमेटो केचप वाला आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है कि ना क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, बाटर पे ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो बोलेगा सर आप मेरा टोमेटो केचप यूज़ कर लो और हम आपको 10 बॉटल भेज देंगे। तो इस तरीके की भी कोलैबोरेशंस होती है कि आप प्रोडक्ट रख लो और उनको प्रमोशन दे दो। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सर मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर पॉपुलर देन इट डजेंट मैटर कि आपको आपके कितने ज़्यादा कितने भी सब्सक्राइबर्स हो। तो अगर आप पॉपुलर हो तो आपके पास ब्रांड कोलैबोरेट करेगा ही करेगा। वन फिगर इज फ्लोटिंग इन द मार्केट दैट इफ यू हैव 10,000, देखो 10,000 अगर आपको फेसबुक पे होना है, फेसबुक पे मोनेटाइज करना है देन इट्स कंपलसरी 10,000 लाइक्स, 10,000 फॉलोअर्स आपके ज़रूरी चाहिए। ऑन यूट्यूब चैनल भी इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 3 या 4 लाख क्या वॉच मिनट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका चैनल आपका मोनेटाइज होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। Contacted me that after manipulating the IP address with one computer only, they can give you as many number of subscribers. So are they fake or you have heard some? Sir, it's totally fake. इस वजह से, ऐसे लोगों की वजह से ही Instagram पे जो Instagram ने जो स्टेप उठाया है कि अब लाइक्स नहीं आते उन पर। ये ही एक रीज़न है जिसकी वजह से अब आप इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे या इंडिया में बहुत सारे लोगों के पेज पे अब एक्टिव हो गया है कि आप नंबर ऑफ़ लाइक्स नहीं देख सकते हो, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि क्या होता था लाइक फॉर एग्जांपल कि जो भी ब्रांड्स पीआर होते थे तो उनको ना नंबर्स चाहिए, उनको एक्चुअली नंबर्स चाहिए। आप फोटो जैसी मर्जी क्लिक कर लो वो आपको वो नहीं देखेंगे। आप 5 लाख रुपये के कैमरे से वीडियो बना लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए नंबर ऑफ़ व्यूज़, नंबर ऑफ़ लाइक्स। तो उस वजह से, इन लोगों की वजह से ना ऐसी एजेंसीज खुल गई थी जो 1000 रुपये 2000 रुपये में नंबर ऑफ लाइक्स बांटते थे। जी सर। जैसे मैम ने भी आपसे पूछा था कि आप ना जाते हैं जैसे जहाँ पे साइट्स पे जाते हैं जो भी फूड ब्लॉगिंग करने के लिए, तो आपके तो आप इस पोजीशन पे हो कि आपके फैंस हैं वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब जो इनिशियल बंदा है जिसने मान लो अभी मैं जैसे हूँ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ टिप्स कि देखो किस जगह पे किस क्या मतलब आप ये समझ लो लाइक कि मेरी जितनी भी वीडियोस है या आप यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियोस देखोगे, आप यूट्यूब पर अगर आप सिर्फ लिखोगे ना बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली, आपके पास 100 जगह खुल जाएगी। वही वो एक तरीके से आपके पास ये समझ लो कि ऑलरेडी हम जो डायरी लिख रहे हैं ना वो हर कोई पढ़ सकता है। तो आप अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप पॉपुलर जगहों से ही स्टार्ट करो। अपने पापा से बात करो, अपने चाचा से बात करो कि आप अपने ऐसी दिल्ली में कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे बड़े छोले भटूरे मिलते हैं। 4 नाम तो आपको वही गिना देंगे। सही। तो यही जो एक्सपीरियंस है ना यही काम आएगा आपके और यही एक्सपीरियंस आपका बेस बनाएगा। थैंक यू सर। सो I started food blogging but I want to know कि as an amateur how can you best engage with your followers, मतलब जो आपको लोग follow कर रहे हैं उनके साथ अपने engagement कैसे आप increase कर सकते हो। जी देखो ये जो एंगेजमेंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि अगर आपको 10 लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहली चीज़ ये कि आज जैसे हम जिस सिचुएशन पे हैं उसमें क्या हो गया हमारी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि जैसे हमारी वीडियो के टाइम ना फिक्स है ऑन यूट्यूब चैनल लाइक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 6:30 बजे वीडियो आनी है। तो ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि 6:30 बजे मेरे फैंस बैठे हैं वेट कर रहे हैं तो हमारे को वीडियो डालनी है। ये जो एंगेजमेंट है ना ये यहीं से ही आती है। अगर आपके टाइम पर्टिकुलर हैं, फिक्स हैं, डेज फिक्स हैं, अगर आपके फ़ैन को पता है कि यार 6:30 बजे वीडियो आनी है तो वो बैठ जाता है 6:30 बजे लगा देगा। ऐसे एंगेजमेंट आती है। आप लोगों से क्वेश्चंस पूछो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, आप नेक्स्ट कौन सा आप क्या चाहते हो कि मैं कहाँ पर जाऊँ अपना रिव्यू करने के लिए। जितनी आप बात करोगे आपकी ऑडियंस है ना उतना ही आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और आपके फॉलोअर्स भी अच्छे बढ़ेंगे उस हिसाब से। So I have a question here. Yes. So like this is such a new field now, right? Yes. YouTube से करना और ये yes. सारा आपने बताया आपका एक struggle phase भी आया था. Yeah. So what gave you the motivation of like you know pursuing this even through those tough times because I'm sure you were doing something else before because ये पूरी yeah. field ही नहीं है. So how did you go through that? Sir, food. The thing is कि अगर आप ये कर रहे हो food में कर रहे हो specially या कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर आपका passion होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशन नहीं है ना उस चीज़ के लिए तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा तक नहीं ट्राई कर सकते। अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करने के साथ अगर वो एज ए पैशन ये कर रहा है फूड कर रहा है तब तो ठीक है, बट अगर आप उससे कुछ कमाना चाहते हो कुछ रिटर्न लेना चाहते हो ना देन यू हैव टू गिव टाइम, आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा उसे। और वो एक ऐसा फेस होता है कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। मेरी खुद की मॉम से मेरा रोज़ झगड़ा होता था कि क्या फ्री के फूड खाने चला जाता है, ये सब है, कुछ पैसे नहीं मिलते कुछ नहीं मिलते, 22-23 साल का हो गया। तो वो एक फेस ऐसा था कि जिस पे मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि उसका क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब रिटर्न मिलता है, जब लोग आज सामने से आज सड़क पर निकलते हैं फूड खाने के लिए तो 4 लोग रोक लेते हैं, अरे सर दिल से फूड आ रहा है फोटो चालो। ये हमारी असली कमाई है, यही हमारे को एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे को और करना है। और अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं हम स्पेशली काम करने। अगर मैं आपकी बात करूँ ना जैसे आप बोल रहे हो कि क्या मिला आपको, एक जब मैंने आपको बताया कि वो छोले कुलचे कंप्यूटराइज छोले कुलचे, वो मेरी पहली वीडियो थी फेसबुक पे, मेरे 4000 फैंस थे। और ये एक रीज़न ये एक एग्ज़ाम्पल भी है कि कई लोग ये भी सोचते हैं ना लाइक कि अगर किसी के पेज पे 1 लाख फैंस हो तो व्यूज़ भी 1 लाख आएंगे या हो सकता है कि उससे ज़्यादा ही आएँ या उससे कम तो नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है। हैशटैग्स बहुत काम करते हैं, आप जो कंटेंट बना रहे हो वो बहुत काम करता है, टैगलाइन बहुत काम करती है। मेरी उस वीडियो पे 4.5 करोड़ व्यूज़ आए जबकि मेरे फैंस थे 4000। नेक्स्ट डे मुझे फेसबुक से कॉल आ गया कि सर ये क्या कर दिया आपने, कहते हैं कि जो बूस्ट मारने का ऑप्शन होता है ना अगर हम बूस्ट मारते हैं ना, ये 4.5 करोड़ व्यूज़ के लिए कम से कम आपको 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और आपने फ्री में कर दिया वो काम। तो ये एक चीज़ है, उस वजह से उस वीडियो को मैंने देखा यार कि सोशल मीडिया का कितना पावर है यार। मतलब आप जो कर रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो एक धक्का लगा, मतलब कि एक पुश था मेरे लिए कि जो मैंने आगे वो चीज़ कंटिन्यू सीरियसली किया, और मैंने वीडियोस बनाना वहीं से स्टार्ट किया। तो जब आप मतलब अपने टफ टाइम से गुजरे, ये तो अभी की बात है जो सक्सेस है, विच इज़ ऑलवेज स्वीटर, बट जब आपका टफ टाइम था लाइक 2-3 ईयर्स, तो आपका पैशन था जिसकी वजह से आपने उसको परस्यू किया, राइट? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए होंगे कि यार ये क्यों कर रहे हो, बट यू वर रियली पैशनेट, दैट्स व्हाई यू केप्ट गोइंग, राइट? सर मैं आपको बोलूँ, 3 साल पहले मैं लार्ज पहनता था, आज मैं 4XL पहन रहा हूँ। आप खुद सोच लो कि कितना मैंने वो किया होगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको पैशन जो है आपका, वो पैशन ही अगर आप अपने प्रोफेशन में कंटिन्यू रखते हो ना, तो वो आप दिल से काम करो। अगर दिल से जो भी काम करता ना, वो कभी ख़राब नहीं जाता, वो सबको पसंद आता है। और ये फूड तो एक ऐसी चीज़ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो वो फील्ड ना एकदम सही चुनो, आप कौन से लोगों को दिखा रहे हो, वो ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑडियंस का भी हमने काफ़ी ध्यान रखा, जैसे फॉर एग्जांपल कि कई लोग फूड कंटेंट बनाते हैं, लाइक जो लोग गाड़ी में घूमते हैं, रिक्शे वालों के लिए नहीं, ठीक है, पटरी पे जो बैठते हैं उनके लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 5 स्टार की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फाइन डाइनिंग की वीडियोस बनाते हैं। अब उसके अंदर लिमिटेड ऑडियंस जा सकती है, सारे नहीं जा सकते, और हमने जो किया, हमने टारगेट किया मास ऑडियंस को। आज जो जनपद रोड पर जो बैठते हैं ना बेल्ट वाले, वहाँ पर भी लोग आते हैं हमारे साथ, फ़ोटो क्लिक कराते हैं कि मेरे घर पे आपकी वीडियोस देखते हैं। हमारा जो कंटेंट है ना, 10 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का है। 10 रुपये की चीज़ भी खाता हूँ मैं, और 10,000 वाली चीज़ भी खा चुका हूँ मैं। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑडियंस को दिखा रहे हो, वो ऑडियंस कितनी बड़ी है, लिमिटेड तो नहीं है। अगर वो ऑडियंस ज़्यादा बड़ी होगी ना, तो आपकी उम्मीद भी उतनी है कि आपका जो चैनल है वो उतना ही ग्रो करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। जी मैम। सर ये पैशन मतलब पता कैसे चलता है हमें? हाउ डू वी नो आवर पैशन? लाइक सर पैशन कैसे पता चलता है, ये तो आपको अपने अंदर से ही आवाज़ आती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में 24 घंटे होते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम आप किस चीज़ का स्पेंड करते हो? ऑब्वियसली गेमिंग पे। मतलब तो फिर आपका पैशन गेमिंग हो ना, तो आप गेमिंग में जा सकते हो, आप गेम क्रिएटर बन सकते हो, आप गेम रिव्यूअर का चैनल बना सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, 2 चीज़ें एक साथ, क्योंकि आप तो अभी छोटे हो, आप पढ़ाई करनी है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। 22-23 साल की उम्र के बाद जाके आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या फुल टाइम करना है, तब आपको पता चलेगा कि, क्योंकि ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज बहुत सही है कुछ चीज़ शुरू करने के लिए। मैंने शुरू किया था 23-24 साल में, तो 23-24 साल का एक मेरा एक सफ़र एक ऐसा रहा था, लाइक कि मैं एज ए बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो आई एम ए 3D एनिमेटर, मैंने 3D एनिमेशन का कोर्स किया हुआ है। और उससे पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 12th पास करी, ग्रेजुएशन मैंने छोड़ दी 2nd ईयर में। क्यों छोड़ दी? क्योंकि 3D एनिमेशन शुरू करनी थी, वो काफ़ी टफ था, और मुझे लग रहा था यार अगर 3D एनिमेशन छोड़ दी ना तो फिर वो जॉब नहीं मिलेगी, लाखों रुपये वाली, ये दिमाग में था। और सब उस टाइम पर सुना था कि एनिमेशन में बहुत अच्छी कमाई है भैया, जॉब कर लो, सही है। बट जब 3D एनिमेशन कर लिया तो जॉब ही नहीं मिली बिल्कुल भी, इंडिया में रिसेशन आ गया, तो भैया आप क्या करें? वही क्या किया गया, वही पैशन को फॉलो किया, उस पैशन को फॉलो करके आज यहाँ तक गए। तो ये चीज़ थी सर। यस सर, जैसे आजकल बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका ओपिनियन डिवाइडेड होता है। लाइक आपने कहा कि अगर आप छोले कुलचे का वो सर्च करेंगे तो 100 वीडियोस मिल जाएंगे, हाँ। लेकिन उन 100 वीडियोस में एज अ व्यूअर हमें कैसे क्योंकि हम सारी 100 जगह जाके नहीं ट्राई कर सकते, इसीलिए हम वो फूड ब्लॉगिंग के वीडियोस देखते हैं। तो हाउ कैन वी डिसाइड एज व्यूअर्स? देखो ये तो एक ट्रस्ट की बात है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह एक हाथ की सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती, सबका टेस्ट भी सेम नहीं होता। तो हो सकता है कि मुझे छोले भटूरे जहाँ के पसंद है, आपको बहुत बेकार लगते हैं, तो ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा कि आपको क्या बेस्ट है। पर ये चीज़ नहीं हो सकती आप किसी पे नाम भी नहीं लगा सकते यार कि वो फेक है। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि हम दोनों का टेस्ट ही अलग हो। अब अगर मुझे करेला पसंद नहीं है, हो सकता किसी का फेवरेट हो यहाँ पे, तो ये चीज़ है। अब करेला तो फेक नहीं है ना इसमें, तो ये है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू करन फॉर अ वंडरफुल सेशन।